रांची विश्वविद्यालय में पीजी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त हंगामा किया है और यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर दी है। नाराज छात्रों ने एनएसयूआई की अगुवाई में हंगामा किया और तालाबंदी की है। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां रांची यूनिवर्सिटी में पीजी के छात्रों ने हंगामा किया और तालाबंदी कर दी है, अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रहे हैं, जबरदस्त हंगामा किया और अपनी मांगों को लेकर हंगामा करते हुए तालाबंदी कर दी है। एनएसयूआई की अगुवाई में यह हंगामा हो रहा है रांची यूनिवर्सिटी से, ये बड़ी खबर। जहां हंगामे की तस्वीर भी देखिए, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तालाबंदी कर और नारेबाजी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ। पीजी के छात्रों ने तालाबंदी की है एनएसयूआई की अगुवाई में। और सीधे रुख करते हैं रांची का, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, इस वक्त क्या विरोध प्रदर्शन अभी भी हो रहा है और क्या मांगे हैं इनकी? पीजी फाइनल ईयर के छात्र हैं और जूलॉजी और मैथ विषय के जितने भी छात्र हैं उनके एग्जामिनेशन के बाद कह सकते हैं 50% छात्रों को फेल कर दिया गया है और जो मार्क्स इन छात्रों को दिए गए हैं वे काफ़ी कम मिले हैं। इसी के विरोध में आज जो एनएसयूआई छात्र संघ है उनके साथ में जो प्रभावित छात्र हैं वे लोग यूनिवर्सिटी में तालाबंदी किए हैं। आप देख सकते हैं कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं जो छात्र हैं और यह पूरा मामला पीजी फाइनल सेमिस्टर जो जूलॉजी और मैथ सब्जेक्ट के विषय के जो छात्र हैं उनके साथ हुआ है और उसको लेके लगातार कह सकते हैं इनका आंदोलन जारी है। आज जितने भी छात्र हैं वे यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, यूनिवर्सिटी के जो मुख्य द्वार हैं वहां पे देख सकते हैं तालाबंदी की गई है और छात्र एक ही मांग कर रहे हैं कि इसकी जो जाँच हो, क्योंकि एक साथ इतने छात्रों का एक साथ फेल होना कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करती है। एनएसयूआई छात्र संघ के इंद्रजीत है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं क्या डिमांड है आप लोगों की और जो तालाबंदी का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये रांची विश्वविद्यालय का मामला है, पीजी के छात्र है, सत्र 2019-21 के ये फाइनल सेमेस्टर है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई किया गया और अचानक से ये लोग का एग्जाम का डेट निकाला, किसी तरह ने ये लोगों ने एग्जाम दिया ऑफलाइन मोड में। अब इसी मैडम ने भी बोला था कि ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा लिबरल किया जाएगा क्योंकि ये लोग की पढ़ाई हो नहीं पाई है। और अभी कुछ दिन पहले ये लोग का रिजल्ट आया तो मतलब एक सब्जेक्ट मैथ्स है और एक जूलॉजी है, इसमें 50% से ऊपर छात्रों को फेल कर दिया गया, किसी को जीरो आया है, किसी को एक आया है। और कुछ जूलॉजी में ऐसे छात्र हैं जिनको 2 मार्क्स 3 मार्क्स देके प्रमोट कर दिया जा सकता है ग्रेस मार्क्स देके, वो भी नहीं दिया गया। तो हम लोग की ये मांग है कि जितने भी छात्रों को फेल किया गया है या तो स्पेशल एग्जाम दे के आप उन लोग को एक मौका दीजिए, क्योंकि पिछले बार मौका दिया गया था, फाइनल सेमेस्टर के छात्र है तो इस बार भी उन लोग को एक मौका दीजिए स्पेशल एग्जाम कराने का, ये लोग अपनी कैपेबिलिटी के चलते इस बार पास हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक की भी गलती है, अगर आप कॉपी काट रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप कॉपी काट रहे, किसी को जीरो और एक नंबर कैसे आप दे सकते हैं। छात्र यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग 27 से 30 नंबर से ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हैं लेकिन अब मार्क्स जब आते हैं तो जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, तो कॉलेज की भी गलती है, रेटिंग में भी कुछ गड़बड़ी एकदम। मैं इसकी भी जांच कराने का भी वीसी मैम आएगी तो आदेश देता हूँ कि जो शिक्षक इसमें कॉपी काट रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनकी भी जांच की जाए आखिर किस प्रकार आप कॉलेज के विद्यार्थियों का कॉपी चेक कर रहे हैं। और सब छात्र में स्टूडेंट को 70 नंबर 50 नंबर आ रहा है और उनके विषय में जानबूझ के 0 नंबर 1 नंबर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये घपला भी हो सकता है बोल सकते हैं। कितने छात्र होंगे इससे प्रभावित? आप मान के चलिए मैथ्स में आपका 60% से ऊपर फेल है और जूलॉजी में भी 50% फेल है, मतलब लगभग मान के चलिए 100 से ऊपर छात्र हैं जो फाइनल ईयर के चलते ये लोग प्रभावित हो रहे हैं। और अगर इन लोग का एग्जाम नहीं लिया गया तो ये लोग का फाइनल है, ये लोग का एग्जाम नहीं होगा तो ये लोग और लेट होगा, जॉब में भी दे रही होगी, मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम ये लोग को आएंगे। तो एक साल लेट ना हो इसी के चलते हम लोग या तो रिचेक करवाइए या फाइनल परीक्षा स्पेशल करवाने की मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं, तालाबंदी किए हैं। संदीप, क्या प्रबंधन से बात हुई है? प्रबंधन से कोई बात हुई, कोई पहल? जी, अभी तक यदि बात करें तो कुलपति अभी कार्यालय पे नहीं है, यही वजह है कि जो छात्र हैं वे अभी तालाबंदी करके यहीं पे देख। तालाबंदी करने से पहले क्या उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की थी?
जी, इससे पहले छात्र जरूर पहुंचे थे यहाँ पे, पर किन्हीं अधिकारियों से बात नहीं होने के बाद या नाराजगी छात्रों पे देखी गई और छात्रों के द्वारा तालाबंदी की गई है, क्योंकि इनका कहना है कि छात्रों का भविष्य ऐसे में अधर में लटक जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से इनकी एक तो पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई होने नहीं होने के बावजूद भी इन लोगों ने एग्जामिनेशन में बैठने का काम किया और एग्जामिनेशन ऑफलाइन माध्यम से लिया गया था प्रबंधन की तरफ, विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से, और जो लगभग 50% ऐसे छात्र हैं जो फेल हुए हैं, जिनको किसी को जीरो तो किसी को एक मार्क्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं आप छात्र इसकी पुनः जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कुछ और छात्रों से बात कीजिए, या तो इसका पुनः एग्जाम लिया जाए। कुछ स्टूडेंट और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या डिमांड है, किन चीजों के लेके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग का यही डिमांड है कि फिर से या तो एग्जाम करवाइए या फिर सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम में सभी बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पाए, बहुत सारी इसमें परेशानियां आई थी, कुछ बच्चे लोग का अपना वो फैसिलिटी नहीं था ऑनलाइन करने का, बहुत तरह से ये प्रॉब्लम था। ठीक है, फिर भी हम लोग ऑफलाइन एग्जाम दिए, ठीक है, उसके बाद भी ये कॉपी जो है वो स्ट्रिक्टली कॉपी चेक किया गया है, बिकॉज एक ही पेपर में सभी बच्चों को फेल किया गया है और दो पेपर जो है उसमें सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स आए हैं, बट एक पेपर में टारगेट करके ऐसा किया गया है। कुछ स्टूडेंट और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और क्या समस्या है? पूरे क्लास के 50% स्टूडेंट प्रभावित हैं इससे, और इतना कम मार्क्स दिया गया है कि ऐसा कोई भी पीजी स्टूडेंट नहीं हो सकता जो एक या दो तीन मार्क्स लाएगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन से क्या डिमांड कर रहे हैं? सर, हम लोग ज़्यादातर डिमांड करते हैं कि हम लोग री एग्ज़ाम किया जाए, इसलिए कि हम लोग को मार्क्स तो सही मिला नहीं है, खासकर टारगेट किया गया सिर्फ एक पेपर में बिल्कुल ही एकदम कम है, ज़्यादातर स्टूडेंट का सिर्फ किसी का एक है, किसी का दो है, किसी का जीरो है, इस टाइप का मार्क्स। कहीं ना कहीं फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ये सारे लोग, और यदि इनका जो रिजल्ट जो है फिर से जांच नहीं होती है या कॉपियां जांच नहीं होती है, तो क्यों इनका जो आगे का जो करियर है कहीं ना कहीं उनको और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए सर, हम लोग जूलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, डोरंडा कॉलेज से, और हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे क्लास में लगभग 50% बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में फेल किया गया है, और बहुत बच्चे खुश थे क्योंकि पेपर जो है वो इतना हार्ड पेपर नहीं है, बहुत इजी पेपर था, ये पूरा थियोरी बेस्ड था, इससे टफ एग्जाम हम देख चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हम पास हैं, वो बच्चे हम जिंदगी में कभी किसी सेमेस्टर में बैक नहीं लगाया, कभी ट्वेल्थ में टेंथ में कभी नहीं लगाया, यहाँ पे फेल कर दिया, वो भी एक दो तीन मार्क्स से, मतलब लिबरल चेकिंग के नाम पे कुछ नहीं किया इन लोगों ने। त्रुटियां कहाँ पे रह गई? हाँ, त्रुटि कहाँ पे रह गई? प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम तो सर ये है कि लिबरल चेकिंग करनी थी वो नहीं हुई है, और बच्चों को टारगेट किया गया सिर्फ डोरंडा, गोशना और कुछ रांची यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों को टारगेट किया गया है मेनली। तो कहीं ना कहीं छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कॉलेजों को टारगेट करके इस तरह की जो मूल्यांकन है वह की गई है, और छात्र ही मांग कर रहे हैं कि जो उनका एग्जाम लिया गया था तो फिर से एक बार उसकी जांच हो, नहीं तो पुनः एक बार एग्जाम छात्रों का लिया जाए, ताकि उनका जो साल है, वर्ष है, वह खराब ना हो, क्योंकि यह उनका फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर के बाद कहीं ना कहीं लोग अपनी जॉब के लिए दूसरे जगहों पे प्रस्थान दूसरे जगहों पे। बिल्कुल, चलिए देखना होगा कि प्रबंधन का जवाब क्या होता है, प्रबंधन क्या इस पर पहल करता है, इन छात्रों से बात करता है, कैसे इस विवाद का समाधान करता है। बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी के लिए।